कटनी में जीआरपी थाना प्रभारी का बेरहमी से मारपीट का मामला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश से कटनी जिले से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां जीआरपी थाना प्रभारी अरुणा वाहने पर एक बुजुर्ग महिला और एक नाबालिग बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक गलियारों में भी आक्रोश फैला हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि थानेदार अरुणा वाहने एक दलित महिला और उसके पोते पर चोरी के आरोप में बेरहमी से थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट कर रही हैं। यह घटना कटनी जीआरपी थाने के अंदर हुई और वीडियो सामने आने के बाद भी अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में पीड़ित ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें न्याय की गुहार लगाई गई है। वीडियो के वायरल होने के बाद कटनी के एसपी अभिजीत कुमार रंजन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे पीड़ित का आधिकारिक रिकॉर्ड हो या ना हो, इस प्रकार का हिंसक व्यवहार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और प्रशासन मामले की तहकीकात में जुटा हुआ है। इस घटना के बाद से मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी दल और सामाजिक संगठनों ने सरकार की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और इस मामले में शीघ्र न्याय की मांग की है। सर, ये जो जीआरपी में जो एक नाबालिग और उसकी दादी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा, क्या है पूरा मामला? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसा वीडियो हमारे संज्ञान में भी आया है और अभी फिलहाल तो हमने हमारे जो एडिशनल एसपी साहब हैं डॉक्टर संतोष डेहरिया, उसको हमने इसकी जांच सौंपी है। और प्राथमिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये जीआरपी थाना कटनी का जो है ये वीडियो है और काफ़ी समय पहले का वीडियो है, तो अभी इसकी छानबीन की जाएगी कि ये वीडियो की वास्तविकता क्या है, किन परिस्थितियों में यह जो है इस तरह की घटना हुई है और कहीं वीडियो मॉर्फिंग किया हुआ तो नहीं है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है वीडियो के साथ। तो इन सभी अलग अलग पहलुओं पर जो है हम लोग जो है इसको देखेंगे। और यद्यपि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जीआरपी थाने का मामला है, अर्थात रेलवे थाने का ये विषय है, लेकिन चूंकि हमारे संज्ञान में ये आ चुका है विषय, तो हमने अभी हमारे जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है हमारे एडिशनल एसपी साहब, उसको हमने इसकी प्राथमिक रूप से जांच करने हेतु आदेशित किया है। प्राथमिक तौर पर क्या लगता है इसमें क्या मामला रहा है? देखिए, अभी जो हमने छानबीन की है वीडियो वायरल होने के पश्चात जो हमने जिसमें छानबीन की है कि इसमें ये सामने आया है कि ये जो महिला है, इसका जो लड़का है दीपक वंशकार करके, वो पुराना चोर है, इसके खिलाफ काफी अपराध दर्ज रहे हैं और किसी संबंधित मामले में ही इनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जो कि इसका लड़का जो है अपराधी प्रवृत्ति का है, तो उसमें पूछताछ की जो है की गई है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस मामले में दीपक वंशकार से काफ़ी बड़ी मात्रा में आभूषण, सोने चांदी के आभूषण और अन्य जो वस्तुएं हैं उनका भी रिकवरी पुलिस ने बरामदगी की थी। सर, जैसा कि वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो दीपक की दादी, मतलब दीपक की माँ और उसका लड़का, उसके साथ मारपीट हुई है, पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था, ये कहाँ तक? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि अभी वीडियो की वास्तविकता की पहले जांच की जाएगी। अब चूंकि मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि वीडियो पुराना है और निश्चित रूप से इसमें जो भी पहलू आएंगे उसकी तथ्यात्मक और विधिवत जांच कराई जाएगी। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी, रेलवे के जो हमारे अधिकारी हैं, सीनियर अफसर हमारे एसआरपी की जो हमारी मैडम है, उनको भी हमने अवगत कराया है। तो मुझे लगता है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द हो जाएगा और निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगी।